यस सो इसमें अगर आप जो गायनेकोलॉजिस्ट का सेशन हुआ था डॉक्टर अंजना जी का, उसको कंबाइन करेंगे डॉक्टर मनीषा जी के साथ में, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी. क्या समझ में आएंगी? जैसे कि डॉक्टर अंजना जी ने बताया था कि हम लोग को किस किस एरिया पे मेनली फोकस करना होता है, क्या क्या मेन दिक्कतें आती हैं. हमारी थाइस की मसल्स, लोअर एब्डोमेन, लोअर बैक, ये हमारे बेसिक चीजें होती हैं जिसपे हमारा मेन फोकस होता है. तो जब आप इनको, इन मेन मेजोरिटी मसल ग्रुप्स को उठाएंगे और इनके हम आसन्स देखेंगे, तो हम बहुत, और ये पेल्विक फ्लोर, इनको आसन्स के साथ, अगर कोई आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, अगर अपनी वीडियोस ऑन हो जाए आप लोगों की. मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा बोलते हुए, अगर आप लोगों की वीडियोस ऑन हो जाएंगी तो मैं देख भी पाऊंगी आप लोगों को. दिव्या, जयश्री, खुशबू, रश्मि, रोहिणी, अगर वीडियो ऑन कर दूंगी तो, स्नेहा, मैं फिलहाल के लिए वीडियो ऑन नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ. अकॉर्डिंग टू, थैंक यू जयश्री, थैंक यू रश्मि, अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस आप जैसे जैसे कर सकते हैं अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं. हाँ, तो अब हमने देख लिया कि कौन कौन से स्पेसिफिक मसल्स थे, कौन कौन से स्पेसिफिक जॉइंट्स थे. एक और चीज, उन्होंने यूटीआई की भी बात की थी, और यूटीआई के साथ साथ में उन्होंने एक लिगामेंट की बात की थी जो यूट्रस को होल्ड करता है और जिसमें जनरली पेन मिलता है. तो हमने जितने भी हमने आसन किए, लेट्स सपोज हमने चेयर पोज किया, या फिर ताड़ आसन किया, या त्रिकोण आसन किया, भद्र आसन किया, तो आपने क्या किया है, आपके पास क्या है, मसल ग्रुप है. अभी हमारे पास ये सारे लोग, आई थिंक सभी लोग योग योग इंस्ट्रक्टर हैं ऑलरेडी, अगर कोई नहीं है तो मुझे बताना. तो अब क्या है, ये मसल्स हम लोगों को मिल गई हैं. अब इन मसल्स के हमारे जो जो आसन होते हैं, जो बिना फॉरवर्ड बेंडिंग ना हो और बिना पेट पे प्रेशर लाते हुए जो आसन होते हैं, उनको हमने पिकअप किया और अपनी प्रेगनेंसी में डाल दिया. तो सिर्फ और सिर्फ यही किया गया है, क्योंकि जो थाई मसल्स होती है वो चेयर पोज से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, त्रिकोण आसन से कंप्लीट बॉडी का होता है, तो उसमें आर्म्स भी स्ट्रांग होती है, थाइस भी स्ट्रांग होती है, आपका पूरा पेल्विक फ्लोर बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई से आपके पेल्विक फ्लोर पे बहुत अच्छा उसके ऊपर फर्क पड़ता है. तो इस तरीके से हम लोग, देखो सारे सेशंस को इंडिपेंडेंटली मत लेना, सबको जोड़ जोड़ के काम करना. अगर आप आसन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट तब भी पेन हो रहा है, तो यानी कि डाइट में, न्यूट्रिशन में कहीं कोई कमी आ रही है, जिसकी वजह से वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है बॉडी के अंदर. ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज देख ली कि कैसे हम चीज को रिलेट करेंगे. बाकी मैं जो डॉक्टर मनीषा है उनसे मैं उनकी स्लाइड्स ले लूंगी और वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी, कौन कौन से उन्होंने आसन लिए थे ट्राइमेस्टर वाइज, डिपेंडिंग अपॉन कॉम्प्लेक्सिटीज हम उस पर चेंजेस भी ला सकते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेडिटेशन. मैं चाह रही थी कि सभी लोग हो जाते हैं ना, तो हम मेडिटेशन शुरू कर सकते थे. अभी हम 7 पार्टिसिपेंट्स ही हैं एंड एक और चीज थी विदु, ये जो रिकॉर्डिंग आप शेयर करने वाले हैं ना, उसके साथ में जो पीपीटी शेयर किया था वो पीपीटी भी शेयर करने वाले हैं क्या? पीपीटी, एक्चुअली पीपीटी इज अंडर द कॉपीराइट ऑफ गायत्री परिवार. लेट मी आस्क हर, कैन शी गिव अस कंप्लीट पीपीटी? इफ नॉट कंप्लीट, एटलीस्ट वो जो स्लाइड्स हैं वो मैं उनसे मांग सकती हूँ. अदरवाइज मैं पूछूंगी तो उनको पीपीटी के लिए, ठीक है, अगर देती है, दे सकती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आई विल आस्क फॉर स्पेसिफिक स्लाइड्स. ठीक है, ओके, दैट शुड हेल्प, थैंक यू. वेलकम. सो आज हम 7 ही रहने वाले हैं क्या? और जबकि मेडिटेशन को कोई बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, और मुझे लगता है मेडिटेशन को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. थैंक यू स्नेहा फॉर पुटिंग ऑन योर वीडियो. सो अब क्या किया जाए?
एक्चुअली रिकॉर्डिंग एक मेस भी है, बिकॉज पीपल थिंक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में देख लेंगे, एंड देन दे डोंट अटेंड द लाइव सेशंस. दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल थिंग्स. चलिए, जब जब लोग फ्री होंगे या फिर जैसे जैसे ज्वाइन करते रहेंगे वैसे वैसे करते हैं, अंटिल तब तक हम लोग आपस में बात कर लेते हैं. देखिए, मेडिटेशन, बिकॉज यू ऑल आर योग स्टूडेंट, तो आपको मुझे ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है. मेडिटेशन यू तो हमारा सेवेंथ लिंब है योग का. योग में क्या करता है बेसिकली, योग क्या है, कामिंग ऑफ माइंड है. ठीक है, तो माइंड को हम डायरेक्टली माइंड पे अटैक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. जैसे कि हम घर में, जो हमारे घर में पेट होते हैं, डॉग कैट, उनको ही संभालना इतना मुश्किल होता है, और हम चले डायरेक्ट शेर को कंट्रोल करने. शेर मतलब मन, हमारा मन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. तो हम लोअर लिम्ब से शुरू करते हैं. कैसे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, धारणा, ध्यान, समाधि. तो ध्यान कहाँ आता है? बहुत बाद में आता है, जब हमारा शरीर सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, हमारा सारा मन मन कंट्रोल में आ गया, फिर जाके हम ध्यान करते हैं. और सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आप लोग को ध्यान से क्या लगता है? ध्यान की कोई भी डेफिनेशन बता दीजिए, संस्कृत की डेफिनेशन नहीं, कि आप ध्यान को क्या समझते हैं वो बताइए एक बार मुझे. इस क्लास को ओपन रखते हैं ना, बिल्कुल सबके लिए ओपन रखते हैं. खुशबू, अगर आप भी मैम वीडियो करना ध्यान, कर सकते हैं. हेलो मैम स्नेहा मैम, ध्यान हाँ, से एक्चुअली पीस ऑफ माइंड बहुत मिलता है एंड इनफैक्ट यू फील सो एनर्जाइज. ये इसके तो बेनिफिट्स होंगे. बेनिफिट्स तो हाँ यहाँ मतलब ध्यान इज इंग्लिश में बोलो तो मेडिटेशन, आप किसी भी जैसे डिपेंड करता है कोई अंतर ध्यान करवाता है, कोई किसी चीज को कंसंट्रेट करके ध्यान करवाता है, या जैसे हम त्राटक, दैट इज आल्सो अ ध्यान. वो ध्यान ध्यान की एक प्री स्टेज है, मतलब वो ओके, बेसिकली हम अपने माइंड को कंट्रोल, एक तरीके से बोला जाए तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारा मन है बहुत जगह पे भागता है, कभी हमें लगता है कि ये कर ले, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, तो ध्यान से हम हमारा माइंड एकदम रेगुलेट हो जाता है. यस. कोई और सिंपल सी भाषा में कोई बताना चाहेगा? कोई और? विदु जी, जो स्नेहा ने बताया वही मैं बताने वाली थी, स्नेहा ने वो बता ही दिया. ऑलरेडी बता दिया. चलिए, मेडिटेशन जो ध्यान की स्टेज होती है वो होती है ब्लैंकनेस की स्टेज. ब्लैंक हो जाना बिल्कुल ही. एक्चुअली क्या, हम सोचते हैं कंसंट्रेशन, पर जो कंसंट्रेशन की स्टेज होती है वो एक स्टेज पहले वाली होती है, विच इज धारणा. धारणा में क्या होता है, हम कंसंट्रेट करते हैं, द मोमेंट हम फोकस 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 फोकस, विच इज धारणा. और एक टाइम आता है जब हम डिफोकस कर जाते हैं, मतलब विस्तार में, मतलब ब्लैंकनेस में, फोकस 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 फोकस, धारणा, एंड देन वी गो ब्लैंक, देयर इज नथिंग. इतने विचार थे, कम 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 कम, एक विचार एंड नथिंगनेस. दिस इज मेडिटेशन. और एवरी टाइम आपको कहीं भी कोई भी मेडिटेशन करवाता है तो सिर्फ और सिर्फ वो टेक्निक देता है आपको कि आप किस टेक्निक को यूज करके ध्यान पर जाने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि आप ध्यान लगा सकते हैं. तो हम भी आज एक छोटे से सेट के बारे में बात करेंगे. आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास जो पार्टिसिपेंट आते हैं उनको एक छोटा सा कैप्सूल दे दीजिए. उनको हम बड़ी बड़ी मेडिटेशंस बताएंगे तो शायद वो ना कर पाए, तो एक छोटा सा पैकेट हम उनको डिजाइन करके दे देंगे कि भाई ये आप कीजिए और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा. तो सबसे पहले हम करेंगे कि 3 पॉइंट, जब भी आप मेडिटेशन करवाना शुरू करते हैं, 3 चीज जो आपको लोगों को बोल दी है कि आपको दिमाग में रखनी है. नंबर 1 तो ये कि आपको क्या करना है, सरेंडर कर देना है, बिल्कुल सरेंडरिंग ऑफ योर सेल्फ. जैसे आप किसी भगवान, परमात्मा, किसी किसी को भी मानते हैं, श्री राम, शिव जी, किसी को भी मानते हैं, सरेंडर, टोटल सरेंडर ऑफ सेल्फ, नंबर 1. जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, इसका नंबर 1 का, जो कि आप मसाज करवाने जाते हैं. ठीक है, मसाज करवाते हैं, कोई लेडी आपको मसाज करती है, तो आप कुछ मेहनत करते हैं उसमें?
अब टोटली सरेंडर कर देते हो ना, आपसे गाइड तो नहीं करते ना, अच्छा ऐसे करना, स्टेप नंबर टू ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना. नो, यू जस्ट सरेंडर योर सेल्फ. सो नंबर वन इज सरेंडरिंग सेल्फ. नंबर टू इज योर द थॉट ऑफ नो डिजायर, कि मुझे इसमें से कुछ चाहिए. जब भी हमेशा दिमाग में रखोगे ना आई वॉन्ट दिस, यू विल गेट नथिंग. जस्ट सरेंडर योर डिजायर ऑल्सो, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए. नंबर थ्री, आई विल नॉट डू एनीथिंग. जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत थके होते हैं, बहुत टायर्ड होते हैं, पड़े रहते हैं ना, हमारे हाथ उठाने का भी मन नहीं कर रहा होता, या फिर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, आंख खोलने का भी मन नहीं कर रहा है. उसी तरीके से आपको मन को भी ऐसी करना कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, आई सरेंडर माई सेल्फ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं सोचना है. टोटली जस्ट गिव अप वाली फीलिंग होनी चाहिए. द मोमेंट आपको ये चीज होगी थ्रू आउट द फेस, इवेंचुअली यू विल लैंड अप इजीली इनटू मेडिटेशन. चलिए, इसके बाद में जो फर्स्ट आप अपनी लेडीज से करवाएंगे जो प्रेग्नेंट है, दैट इज योर IRT. IRT क्या होता है? जिन्होंने मेरे साथ मेडिटेशन का कैंप किया हुआ है उनको पता होगा. IRT is instant relaxation technique. आप लोग बैठे हुए हैं तो चेयर पे, अगर बैठे हुए हैं तो पैर नीचे करके बैठ सकते हैं, प्लॉथी लगा के बैठे हैं तो एक कंफर्टेबल जोन में बैठ सकते हैं. उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, आंखें बंद करके दोनों हाथ लूजली घुटनों के ऊपर रखे हुए हैं इस तरीके से. आंखें बंद कर ली सभी लोगों ने, IRT के लिए तैयार हो जाएंगे सभी लोग. इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, लंबी गहरी सांस भरी, लंबी गहरी सांस छोड़ी, अपने पंजे को टाइट करेंगे, पैर के तलवे को टाइट किया, पैर के पंजे के ऊपर से टाइट हो गया, एडी को टाइट किया, टखने को टाइट करेंगे, टाइट 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 टाइट, अपनी काफ मसल्स को टाइट करेंगे, जोर से टाइट करेंगे, घुटने को टाइट करेंगे, थाइस मसल को टाइट करेंगे, टाइट टाइट टाइट, पेल्विक फ्लोर पे आ गए, टाइट टाइट टाइट, पेट को करेंगे टाइट और टाइट और टाइट, चेस्ट को करेंगे, सांस छोड़ते हुए जो बची कुछ सांस छोड़ दी, टाइट टाइट टाइट, हाथ की मुट्ठी बना ली, हाथ को टाइट किया, कोहनियों को टाइट किया, बाजू को, कंधे को टाइट करते हुए, गले को टाइट करते हुए, फेस पे आए, गालों को टाइट, दांत भींच लिए, आंखें टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स. लंबी गहरी सांस ली, लंबी गहरी सांस छोड़ी, रिलैक्स. धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे. दिस इज योर IRT. कई बार हम ना कॉन्शियसली बॉडी को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, हमारी मसल्स में ना थोड़ा बहुत तनाव ना हमेशा रहता है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ, अलर्ट मोड में हमेशा रहता है. तो एक छोटी सी टेक्निक है ये, जिससे वो इंस्टेंटली रिलैक्स कर सकती हैं बॉडी को, क्योंकि बॉडी हमेशा एक फेज में रहती है. उसको रिलैक्स करने के लिए क्या क्या, उसको पहले मैंने टाइट कर दिया और फिर मैंने को ऑर्डर दिया उसको रिलैक्स करने का. तो इससे क्या होता है, बॉडी एकदम से रिलैक्स हो जाती है. उसके बाद में हम जा रहे हैं फिजिकल से मेंटल एस्पेक्ट की ओर, क्योंकि मेंटल को एकदम से कंट्रोल करना आसान नहीं है, तो हम फिजिकल तरीके से जाएंगे. तो फिजिकल तरीके से क्या करेंगे, जब मेडिटेशन है, कौन से सिस्टम का ज्यादा रोल है इसके अंदर, नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम का अगर ज्यादा इसके अंदर रोल है, तो नर्वस सिस्टम कहाँ से हुआ, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम हो जाता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हम ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की थोड़ी लूजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी ट्विस्टिंग प्रैक्टिस करेंगे. ट्विस्टिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ लेंगे, इस हथेली से ये वाली एल्बो, इस हथेली से ये वाली एल्बो. हाँ, हल्का हल्का ट्विस्ट खेलते हुए, हल्का 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 ट्विस्ट ट्विस्ट, बेसिकली स्पाइन का ट्विस्ट हो रहा है, हल्का हल्का हल्का. अब हाथ खोल लो धीरे से, धीरे धीरे इधर, हाँ वेरी नाइस, और धीरे से वापस. बिल्कुल लूज बॉडी है, बिल्कुल लूज. फिर अपने राइट उठाया, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, लेटरल बेंडिंग स्पाइनल कॉर्ड की, आराम से
फिर सांस भरी, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर लेफ्ट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए हैंड्स अप, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक और बार राइट हैंड को उठाया, इनहेल अप एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड में, वेरी नाइस, स्पाइनल कॉर्ड को बड़े आराम से प्यार से, सांस भरते हुए हाथों पर, सांस छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट हैंड के साथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड साइड, ऊपर छोड़ते हुए नीचे। ये तो होगी स्पाइन की ट्विस्ट एंड लेटरल। इसमें अब हम कर सकते हैं मार्जरी, सिटिंग मार्जरी। अगर आपने हमारा थेरेपी कैंप अटेंड किया होगा तो उसमें समझ में आएगा सिटिंग में मार्जरी कैसे करते हैं। दोनों हाथों को घुटने पे रख के सांस भरी, अगर मतलब मैं चेयर में बैठी हुई हूँ, ठीक है, अगर आप प्लॉथी मार के बैठे तो वैसे भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को घुटने पे रखा, सांस भरी, छत की तरफ देखते हुए कंधों को खोलते हुए अच्छे से सांस छोड़ी, अपनी चिन को जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए जालंधर बंद लगाते हुए कंधों को आगे की तरफ करते हुए सांस भरी, छत की तरफ देखेंगे, गर्दन को पीछे गिराने की कोशिश, सांस छोड़ते हुए कंधे आगे और ठुड्डी को कंठकूप से लगा दिया, इनहेल अप एंड लास्ट एक्सहेल डाउन, वंडरफुल। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बेंड ना करते हुए प्रेग्नेंट लेडी के लिए फ्रंट एंड बैक स्पाइन का हमने उनको प्रैक्टिस दिया, ठीक है। उसके बाद अब बॉडी क्या है, थोड़ी लूज हो चुकी है, स्पाइन लूज हो चुका है, और एक बार हम अपने गर्दन के जॉइंट को भी लूज कर लेते हैं। बहुत इजी सी प्रैक्टिस है, सभी को आती है, विच इज ग्रीवा शक्ति विकासक। अगर आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के देखते हैं उनका जो वो एक वो सूक्ष्म व्यायाम की उनकी बुक है, बहुत अच्छी, सभी के पास, इफ यू आर अ योग स्टूडेंट तो आपके पास मैंडेटरी वो मैनुअल होनी चाहिए। सिट स्ट्रेट, इनहेल एक्सहेल राइट की तरफ देखेंगे, कंधे से पीछे देखने की कोशिश, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए साइड चेंज, इनहेल फ्रंट, एक्सहेल बैक, लास्ट फ्रंट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, लास्ट डाउन, धीरे से वापस। जो सर्कल वाले मोशन को उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नॉजिया वाली अगर फीलिंग है पार्टिसिपेंट को तो हम सर्कल वाला मोशन नहीं देंगे। अगर दिक्कत नहीं है तो आप सर्कल वाला मोशन दे सकते हैं। चलिए, अभी तो हमने अपने दो जॉइंट पे वर्क किया है, स्पाइन पे वर्क किया और नेक पे वर्क किया और बॉडी को कर दिया रिलैक्स। सबसे पहले क्या किया था, IRT की टेक्निक दी थी जिससे कि मसल्स जो एक्टिव अभी भी हैं वो रिलैक्स हो जाए। तो IRT फॉलोड बाय योर सब लूजनिंग प्रैक्टिसेस, बॉडी को थोड़ा इजीली घुमा के, थोड़ा रिलैक्स करके अपने मूड में धीरे धीरे उसको ढालना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब जाएंगे बात करेंगे अपने, हाँ एक मंत्र आप जरूर उनका कर देना फिक्स। अगर उनको गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप आता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि महामृत्युंजय जप की जाप क्या करता है, जो उनके घर में वैसे भी, उनके दिमाग में वैसे भी फोबियाज होंगे ना, जैसे कि कल डॉक्टर अंजना जी बता रहे थे कि बहुत तरीके के डर होते हैं उनके दिमाग में, टेंशन एंजाइटी उसी से आती है कि लेबर पेन कैसा होगा, उस टाइम क्या होगा, ये होगा, तो इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र विल रियली हेल्प अ लॉट एट दैट टाइम। अगर उनको नहीं आता है आपके पार्टिसिपेंट्स को तो उनको आप याद भी करवा सकते हैं। इट इज अ वेरी इजी कि कभी भी आप मॉर्निंग में नहाते हुए चैंट कर सकते हैं,
या फिर वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए मन ही मन में चैंट कर सकते हैं, तो ये तो आप उनको लर्न करवा ही दीजिए एक मंत्र जो है महामृत्युंजय मंत्र. उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यस सबसे इजी एंड सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो हमारी डॉक्टर मनीषा ने भी कवर की थी, विच वॉज नाड़ी शोधन. बट नाड़ी शोधन में उन्होंने, आपने नोट किया होगा, उन्होंने क्या कराया था, वो करवाया था उन्होंने सूर्य अनुलोम विलोम और चंद्र अनुलोम विलोम. क्या बताया था उन्होंने अगर आपको याद हो, कि नसाग्र मुद्रा बना के, प्रणव मुद्रा बना के, इसी से इनहेल एक्सहेल 3 times और फिर इससे इनहेल एक्सहेल 3 times. इनको क्या कहते हैं, इन दिस इज वन ऑफ द वेरिएशन ऑफ नाड़ी शोधन. तो अगर आप कर रहे हैं, आप पहले अपने लेफ्ट से कर रहे हैं 3 बार, वापस दिस इज योर चंद्र अनुलोम विलोम, चंद्र भेदी नहीं, चंद्र अनुलोम विलोम. And now, आपने लेफ्ट को बंद किया सूर्य नाड़ी से, इनहेल 3 times and एक्सहेल 3 times. इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल लास्ट इनहेल Exhale. ये आपका सूर्य अनुलोम विलोम है. तो 3 बार इधर से क्या, 3 बार इधर से क्या, तो एज इट इज ये बैलेंस हो गया है. तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली एक सिंपल वाला अपना लर्न करेंगे जो हम लोग को सभी को आता है, विच इज अनुलोम विलोम, नॉट चंद्र नॉट सूर्य बट नॉर्मल अनुलोम विलोम. तो वो हम 9 rounds करवाएंगे अपने पार्टिसिपेंट से. द मोमेंट वो मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, ये स्टार्टिंग की कुछ फेजेस के लिए बॉडी को तैयार किया, तो सबसे पहले नाड़ी शोधन के 9 rounds करने हैं आपको. राउंड आपको पता होंगे सभी को, कि लेफ्ट से इनहेल किया, बंद किया नाक को, राइट से एक्सहेल एंड देन राइट से इनहेल एंड देन योर लेफ्ट से एक्सहेल. दिस इज 1 round. तो ऐसे टोटल 9 rounds करवाने हैं आपको अपने पार्टिसिपेंट से. क्या ध्यान रखना है, कि हमेशा जब भी राउंड कंप्लीट कर रहे हैं तो लेफ्ट से सांस छोड़ के वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं राउंड. कभी भी बीच में वो ट्रंकेट ना करे, एकदम से बेल बज गया, इधर उधर कोई बुला दिया, किसी ने आ गया, फोन आ गया, अर्जेंट कॉल हो गई, तो एकदम से उठने लगे. तो उनको आपको ये चीजें, छोटी छोटी बातें उनको आपको दिमाग में सेट करनी होगी, कि आपको बीच में ट्रंकेट नहीं करना है, आपको अपना राउंड साइकिल पूरा कंप्लीट करना है. चलिए नाड़ी शोधन की बात होगी, उसके बाद हम करेंगे. एक क्वेश्चन है नाड़ी शोधन के बारे में, इसमें जो इनहेल करता है और होल्ड की जरूरत नहीं है क्या, कुंभक होल्ड लाइक रेशियो ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल एंड होल्ड, ये कुछ स्पेसिफिकेशन है क्या? हम लोग तो सारे क्या है, हम यार योग टीचर्स, जब हम करवाते हैं सभी को तो हम लोग उनको करवाते हैं कि अच्छा आप ये रेशियो करना, इस तरीके से करना. पर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, 1:1 अगर वो कर सकती हैं तो ठीक है, अगर वो इससे अच्छा कर सकती है 1:2 वेल एंड गुड. बट अगर उन्होंने किया हुआ है, आपकी क्लास में वो आती रही हैं, तो आपको उनका पता होगा कि उनकी कितनी ज्यादा ब्रीदिंग होल्डिंग है या कितनी उनका ब्रीदिंग रेट है. बट अगर आपको नहीं पता है, वो न्यू स्टूडेंट है, पहले नहीं किया है, प्रेगनेंसी हुई है, तो अभी वो चाहती है कि अपना प्रैक्टिस शुरू करना, तो उनको सजेस्ट कीजिए 1:1, अगर कर सकती है अच्छे से तो 1:2, दैट्स इट. होल्डिंग के लिए मत सजेस्ट कीजिए उनको, ठीक है ना, अभी बॉडी इज नॉट रेडी एट दैट टाइम, सो लेट्स नॉट गो फॉर द होल्डिंग. बट यस, आपकी नॉर्मल क्लास है, रेगुलर क्लास है और आप उनको सिखा रहे हैं, तो यस 1:1 विद इंटरनल होल्डिंग, दैट इज अंतः कुंभक, 1:1 विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल होल्डिंग, तो बाह्य कुंभक के साथ में. तो जो हम स्टैंडर्ड करवाते हैं वो क्या करवाते हैं, 1 इनहेल होल्ड अंतः कुंभक, एक्सहेल 3rd step एंड देन बाह्य कुंभक, ये हम अपने स्टैंडर्ड में करवाते हैं. और इसमें अगर आप ग्रहण संहिता पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी रेशियोज दी गई हैं, उसमें 1:4:2 की रेशियो भी दी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर 1:2:4 की रेशियो दी हुई है.
कि कितना आपको वन इनहेल करना है, टू होल्ड करना है, फोर में एक्सहेल करना है, ठीक है? तो ये होल्ड आप स्टैंडर्ड क्लास है तो इस तरीके से जा सकते हैं, बट प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अभी आई हैं, तो 1:1 इज सफिशियंट गुड फॉर देम, ठीक है? और किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा क्या होल्ड करने से? क्योंकि मैं अब तक ट्राई कर मैं फॉलो करते आ रही हूँ, मे बी आई होल्ड फॉर लाइक 4 seconds और 5 seconds, सो गोइंग फॉरवर्ड आई जस्ट कीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, आई स्किप होल्डिंग स्टफ, बट ये खुद के लिए था, होल्ड मैं स्किप कर दूंगी. तो हाँ हाँ आप उनके लिए होल्ड, अगर देखो आपकी अगेन वही, अगर आपके पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं, यू कैन गो फॉर योर होल्डिंग बिकॉज या नाउ यू हैव अंडरस्टूड देयर बॉडी. बिकॉज कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है उनकी बॉडी के बारे में, सो वी कैन सजेस्ट, बिकॉज होल्डिंग बहुत अच्छी चीज है. होल्डिंग क्योंकि होल्डिंग से क्या होता है, देखो अंतर इंटरनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, क्योंकि प्राणायाम क्या है, प्राणों का विस्तार, प्राणों का विस्तार तो हो ही रहा है. साथ ही साथ आप अगर देखेंगे सांस करके आपने होल्ड किया है, तो आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी बहुत टाइम दिया है, आराम से पूरा ऑक्सीजन ले रही है बॉडी, पूरा आराम से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, तो दिस इज अ वंडरफुल थिंग. बट डिपेंडिंग अपॉन द वे यू नो योर पार्टिसिपेंट, उसके हिसाब से आप उनको कुंभक करा सकते हैं. ओके, एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कुंभक स्किप कर दिया है, मैंने सिर्फ इनहेल एक्सहेल के लिए बोल रही हूँ, पर ये मैं खुद पहले से कर रही हूँ ना, तो आई थॉट आई कैन डू होल्डिंग आल्सो, सो होल्डिंग भी प्रैक्टिस कर रही थी. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. थैंक यू. ओके, सो हम लोगों ने बात की अभी, अब हम बात कर रहे थे मंत्र, एक मंत्र की तो बात कर ली कि आपको उनको मेमोराइज करवाना है महामृत्युंजय मंत्र, विच विल हेल्प देम टू रिलीव दैट एंजाइटी एंड स्ट्रेस, क्योंकि अभी तक हम एंजाइटी स्ट्रेस ही सुनते हुए आ रहे हैं, तो दिस मंत्र विल हेल्प इन दैट. अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा मेजर मंत्र की तरफ, विच इज ओमकार. तो ओमकार हमें पता है 3 मंत्र से मिलकर जुड़ के बना है, अ उ म से मिलकर बना है ओमकार. तो अब हम क्या करेंगे, इन मंत्रों के साथ में कुछ मुद्राज अटैच करेंगे और उनकी चैंटिंग करेंगे. नाउ वी हैव स्टार्टेड, अभी तक तो प्रिपरेशन चल रही थी, प्रिपरेशन के बाद नाउ वी हैव स्टार्टेड विद आवर मेडिटेशन का, जो हमारा आंख बंद करके जो हम ध्यान शुरू करेंगे. इससे पहले आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलनी होगी, दैट इज की एक संकल्प, संकल्प माइंड में रेडी करके रखें कि आप क्या चाहते हैं. देखिए इस चीज को कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसके लिए कि हमने इनिशियल में तो ये सोचा था कि मेडिटेशन में हम जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिजायर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट यहाँ पे आके हम संकल्प की बात कर रहे हैं. बट आपको संकल्प एक उनका करवाना होगा कि मुझे स्वामी विवेकानंद जैसा पुत्र चाहिए, या फिर मुझे चाइल्ड चाहिए, या फिर मुझे सरोजिनी नायडू जैसी चाइल्ड चाहिए, या फिर मुझे संत परमानंद, कोई भी, मतलब जो भी उनके दिमाग में है, तो संकल्प के साथ वो रेडी रहे. और हमेशा संकल्प एक दिमाग में रेडी होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन के एंड में हम संकल्प की रिपीटेशन करवाएंगे. जब वो आइडियल फेज में चले जाएंगे तो वहां पे हम रिपीटेशन करवाएंगे कम से कम 9 बार अपने संकल्प का. तो संकल्प उनका जरूर याद करवाइएगा कि संकल्प लेके शुरू करें. तो हम अ उ म की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम अकार चैंटिंग करेंगे. अकार चैंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, अपने चिन मुद्रा के साथ में. तो चिन मुद्रा कैसे होती है आपकी, दिस इज योर चिन मुद्रा, देख पा रहे हैं हम आप, यस, इसको आप जब घुटने पे रख देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा. तो चिन मुद्रा के साथ अकार चैंटिंग कितने बार, 3 बार. अभी हम छोटा पैकेज बना रहे हैं, एक बार उन्हें छोटे, एक बार उनको टेस्ट लगवाना है मेडिटेशन का, एक बार किसी को स्वाद लग जाए ना तो उसके बाद वो इंसान करने लग जाएगा. उसके बाद हम इसकी रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं टिल 9 राउंड्स, ठीक है? अभी हम सिर्फ 3 राउंड कर रहे हैं, अकार चैंटिंग 3 टाइम्स विद चिन मुद्रा. इफ यू वॉन्ट टू नोट डाउन यू कैन ऑल्सो नोट डाउन, ठीक है? फिर नंबर 2, उकार चैंटिंग. उकार चैंटिंग के लिए क्या करेंगे हम, चिन्मय मुद्रा. चिन्मय मुद्रा क्या होता है, अब हमने फिंगर्स को फोल्ड कर लिया है मुट्ठी की तरह, पर उंगली अभी भी ऐसे है. चिन्मय मुद्रा 3 बार उकार चैंटिंग विद चिन्मय मुद्रा. फिर नेक्स्ट मकार चैंटिंग. तो मकार चैंटिंग के लिए क्या करेंगे हम, आदि मुद्रा. आदि मुद्रा कैसे होती है, जो ये हमारी योगिक फिस्ट होती है ना,
अंगूठा अंदर, दिस इज योर आदि मुद्रा. तो मकार चैंटिंग 3 बार विद आदि मुद्रा. देन लास्ट योर ओमकार चैंटिंग अगेन 3 times. देन विद योर मुद्रा होती है ब्रह्म मुद्रा, पर ब्रह्म मुद्रा में फीस्ट यही होगी, बस इसको हम अपने एब्डोमेन रीजन पे रख लेंगे, यहां पर अंगूठा बाहर की तरफ है, मतलब अंगूठा अंदर. मैं दिख शो कर रही हूँ कि कैसे प्लेस किया है, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छे से. ये आपकी ब्रह्म मुद्रा विद ओमकार, ठीक है, 3 बार ओमकार की चैंटिंग की विद ब्रह्म मुद्रा. उसके बाद हम ब्राह्मणी करेंगे विद खेचरी मुद्रा. खेचरी आप सबको पता है, टंग को हल्का सा टर्न करके सॉफ्ट पैलेट पे लगाना. एक तो आगे वाला जो है तालू वाला भाग है, आगे तो हार्ड होता है, उसके पीछे सॉफ्ट वाला होता है. कैन यू टच दैट पैलेट? यस, आई कैन सी रश्मि इज वेरी गुड. स्नेहा, यस दिव्या, या या आई एम एबल टू डू इट, परफेक्ट, ठीक है. तो दिस इज योर खेचरी मुद्रा. तो आपको आप भ्रामरी चैंटिंग करनी है खेचरी मुद्रा के साथ में, और भ्रामरी चैंटिंग कितनी बार करनी है? टोटल 9 times. आप देख रहे होंगे, आप पहले तो वर्चुअली, आप वर्चुअली नहीं एक्चुअली में बोल रहे थे ओम. अब क्या है, सब कुछ बंद हो गया है, सिर्फ भ्रामरी पे आ गए हैं विद खेचरी मुद्रा. तो आपका ये क्या क्या फेज हुए, सबसे पहले 9 rounds आपके उसके हुए नाड़ी शोधन के, फिर अ उ म हो गया, उसके बाद में भ्रामरी हो गया है, भ्रामरी विद खेचरी मुद्रा. तो ये आपका बेसिकली ल योग का पार्ट होता है, ठीक है. एंड उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उनको अपना संकल्प दोहराना है 9 बार. 9 times अपना संकल्प दोहराया, ये उनका एक छोटा सा कैप्सूल बन गया मेडिटेशन का, जो उनको आप दे सकते हो. ये क्या है, सेल्फ मेडिटेशन है. इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ गाइडेड मेडिटेशन की तरफ से. गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है, जो हमें गाइड कर रहा होता है. एक्चुअली हमारा ध्यान उसके वचनों, जो गाइडर है, गाइडर के वचनों के साथ हमारा दिमाग एक लय में जाने की कोशिश कर रहा है. अभी क्या था, अभी हम अपने आप से लय में जाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मंत्र योग. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, गाइडेड मेडिटेशन में जो वो बोल रहा है उसके साथ में. तो हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, योग निद्रा की. 2 लोगों की योग निद्रा मैंने बताई थी कि आप YouTube से कर सकते हैं, विच इज वन ऑफ देम इज रविशंकर. यस, एंड टू सेकंड थी, सेकंड का याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कल बाहर थी, लेकिन रविशंकर की तो मोस्टली मैं भी करती हूँ. यस यस यस, किसी ने कहा बिहार स्कूल ऑफ योग का. यस, बिहार स्कूल ऑफ योगा, स्वामी नित्यानंद सरस्वती. परफेक्ट, तो बिहार स्कूल ऑफ योग की एक है, और एक आपकी श्री श्री रविशंकर की है. तो ये योग निद्रा, योग निद्रा कब कर सकते हैं, रात को बेड पे. एक्चुअली पता है, बताने को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट में, बहुत अच्छी चीजें होती है, बट हम वो सारी अच्छी चीजें नहीं फॉलो कर सकते. हम अपनी कन्वीनियंस, अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो जो पॉसिबल है वो कर पाते हैं. तो आप ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप अपने पार्टिसिपेंट के हिसाब से उसको बताएंगे. अगर आपको लगता है कि दिन में बैठ सकता है तो उसको ये छोटा सा कैप्सूल देंगे. अगर आपको लगता है कि रात को नींद नहीं आती है तो उसको योग निद्रा बताएंगे कि सोने से पहले योग निद्रा सुन के फिर सोना है. बट कोई बहुत जिसको इंटरेस्ट है, शायद वो मेडिटेशन में आगे भी प्रैक्टिस कर सकता है, तो उनको कुछ वो आते हैं, जैसे कि श्री श्री रविशंकर का भी 21-day मेडिटेशन का एक कैंप था, विच इज फ्रीली अवेलेबल ऑन YouTube. उसको आप सर्च कर सकते हैं, 21-day मेडिटेशन कैंप ऑफ श्री श्री रविशंकर, या फिर 21-day मेडिटेशन कैंप ऑफ दीपक चोपड़ा. तो मतलब इस तरीके से ये चीज जो है फ्रीली अवेलेबल है, और आपको लगता है कि कैंडिडेट इतना डिटरमाइंड है, इतना डेडिकेटेड है, दैट ही एक्चुअली में द मदर इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द चाइल्ड एंड रियली वांट्स टू डू मेडिटेशन, तो उसको आप डेफिनेटली ये चीज सजेस्ट करेंगे. क्योंकि ये क्या है, और कि आप एवरी डे एक टाइम उनका फिक्स करवाएंगे कि जिस टाइम वो मेडिटेशन करती हैं.
क्योंकि द मोमेंट टाइम फिक्स हो जाएगा तो बॉडी की क्लॉक सेट हो जाती है कि अच्छा 4 बज गए, तो बॉडी विल बी अलाइंड विद दैट कि 4 बजे तो मैं यानी मेडिटेशन करना है. रात को 9:30 बजे बेड पे गए, मेडिटेशन करना है. सो आपको अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है कि आपका पार्टिसिपेंट आपको कैसे उसको एनकरेज कर सकते हैं कि यस आपको करनी है मेडिटेशन, हाउ मेडिटेशन विल हेल्प यू एंड योर चाइल्ड इन बिल्डिंग अप अ वंडरफुल करियर फॉर द चाइल्ड. ठीक है, तो अब और क्या क्या चीज मैं कुछ और भी बताने वाली थी, मैं नोट डाउन की हुई थी सारी. यस, जो नाद योग की बात हो रही थी, जो अभी गायत्री परिवार के थ्रू उन्होंने बात की थी कि नाद योग होता है, तो नाद योग में वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारे वाद्य यंत्र को, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिक लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक होता है. तो ना तो ये गाइडेड मेडिटेशन है, ना ये कोई फिजिकल मेडिटेशन है, ये है नाद योग कि आप उन म्यूजिक के फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मेडिटेशन कर पा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से मेडिटेशन कर पा रहे हैं. तो इसको भी आप नाद योग गायत्री परिवार सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो एक 15 मिनट की वीडियो मिलेगी आपको. तो 15 मिनट, क्योंकि वो 15 मिनट का ही होता है, उसको प्ले कर सकते हैं. बट ये आप उनको तब सजेस्ट कीजिए जब उनको मजा आने लग जाए, क्योंकि अगर मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं है, एकदम से म्यूजिक चला के मेडिटेशन करेंगे ना तो बस ख्यालों में विचारों में खोए रहेंगे. ठीक है, तो उनको ना धीरे धीरे प्रोसेस, पहले इनिशियली प्रोसेस देना, जब उन्हें प्रोसेस पसंद आने लगे, मजा आने लगे, आइडियल होने लगे, तो फिर उनको म्यूजिक की तरफ लेके जाना कि अब आप म्यूजिक के उससे कीजिए, अब आपको सहारे की बैसाखी की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्टली म्यूजिक के साथ कर सकते हैं. और एक बार म्यूजिक उनका पक्का हो जाएगा, आपने देखा होगा आर्य समाज में, जैसे कि मेरी फैमिली, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो आर्य समाज को बिलोंग करते हैं, तो वो मॉर्निंग और इवनिंग में समाधि करते हैं, तो विच इज अ सेल्फ मेडिटेशन. उसमें ना तो वो म्यूजिक सुन रहे हैं, ना वो कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो जस्ट बैठ के सिंपल मेडिटेशन कर रहे हैं. तो इवेंचुअली हमें उस लेवल पर जाना है, बट उससे पहले ये प्रैक्टिसेस मस्ट है. तो ये तो हो गई पैकेज की बात. ये एक तो मेंटालिटी, दिमाग में 3 चीज सेट करनी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सरेंडरिंग सेल्फ, मैं कुछ नहीं करूंगी, सिंपल सरेंडर. ठीक है, उसके बाद में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि बॉडी को लूज करना है. IRT की बॉडी को लूज किया, कुछ प्रैक्टिसेस की, बॉडी टोटली लूज हो चुकी है. स्पाइन की थी, स्पाइन की क्या क्या की थी, अगर ये आपका स्पाइन है, क्या क्या किया था आपने स्पाइन में, लेटरल साइड की, लेटरल वाल की थी आपने, उसके बाद में ट्विस्टिंग की थी और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की थी विदाउट पुटिंग प्रेशर ओवर द एब्डोमिन एरिया. ठीक है, उसके बाद में नेक की थी साइड अप एंड डाउन, रोटेशन अवॉइड किया था डिपेंडिंग अपॉन योर पार्टिसिपेंट. ठीक है, बॉडी रिलैक्स हो गई है, एक मंत्र उनको याद करवाया, महामृत्युंजय मंत्र, विच विल हेल्प देम टू रिकवर, टू गेट आउट ऑफ द एंजाइटी एंड स्ट्रेस. डे टू डे का जितना भी एंजाइटी स्ट्रेस होती है, मंत्र चैंटिंग करेंगे उससे निकल जाएगा. तो मंत्र चैंटिंग कब करेंगे, नहाते हुए, ब्रश करते हुए, मेंटल चैंटिंग, लाइक बैकग्राउंड लाइक म्यूजिक नहीं चलता रहता, जैसे कई बार कोई दिमाग में हमारे गाने बैठ जाता है तो हम उस गाने को सोचते रहते हैं, वो हमारा गाना ही चलता रहता है हमारे दिमाग के अंदर, उस तरीके से वो मंत्र दिमाग में चलता रहना चाहिए. एंड उसके बाद में हमने मंत्र चैंटिंग की थी, किसकी, अ उम विद मुद्रा, भ्रामरी विद खेचरी मुद्रा, नंबर ऑफ टाइम्स कितना, इनिशियली 3-3 times, ताकि वो लोग करें, एंड उसके बाद में दैट्स इट, अगर वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसको 9 times करवा सकते हैं. फिर क्या किया हमें लास्ट में, 9 times आपके संकल्प को मन ही मन रिपीट करवाया, जब मेडिटेशन कंप्लीट होने वाला है, मन ही मन संकल्प को रिपीट करवाया. एंड अगर आपके पार्टिसिपेंट को सोने में दिक्कत हो रही है या फिर इनमें से कोई मेडिटेशन नहीं कर पाता है, वर्क फ्रॉम होम है, उसके लिए उसको हमने गाइड किया योग निद्रा के लिए, गाइडेड मेडिटेशन की, रात को सोने से पहले योग निद्रा करो और फिर सोने के लिए चले जाओ आप. इसके अलावा 21 day मेडिटेशन चैलेंज बाय श्री श्री रविशंकर, बाय दीपक चोपड़ा, एंड जो कि ये जो दो हैं जो बेस्ट वाले आपको मिलेंगे. इसके अलावा नाद योग का म्यूजिक मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगा, एंड यस दैट्स इट. अब मुझे आप बताइए कि आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं इसमें, या फिर अगर आप, इफ यू आर प्रेग्नेंट हियर,
आपको कुछ और लग रहा है तो वो अपना शेयर कीजिए, या फिर आपके पार्टिसिपेंट के साथ आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया हो वो शेयर कर सकते हैं। पर कोशिश ये करनी है कि उनको आसनों से, प्राणायाम से, तो आपको मेडिटेशन की तरफ धक्का देना है, उनको स्वाद चखाना है कि भाई मेडिटेशन करोगे तो यू विल गेट दिस। क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो गया, जब तक किसी चीज से हमें कुछ मिलता नहीं है ना, तो हम वो करते नहीं है कि फायदा ही क्या करने का। तो आपको उनको बेनिफिट्स बताने, बेनिफिट्स ऐसे जो उनको प्रैक्टिकल लगे। अगर आप उनको ये बोलोगे ना दिमाग शांत होता है, तो उनको ये तो कोई ठीक है भाई, ओके। बट जब आप बोलोगे ना कि आप डिसीजन ठीक कर पाते हो, और हमेशा आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं होगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, हमेशा एक डिसीजन आप बहुत इजीली कर पाओगे, या फिर अगर कभी आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, आपको तो गुस्सा जो है दूसरे के ऊपर आना कम हो जाएगा, और अगर गुस्सा आ भी रहा है ना, तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट में, ठीक है। तो उनको कुछ कंक्रीट हैंडी बेनिफिट्स आप उनको चखाएंगे तो वो डेफिनेटली मेडिटेशन करेंगे। तो दूसरों को मेडिटेशन हम कब बता सकते हैं, जब हम खुद प्रैक्टिस करते हो, जब हमने खुद को स्वाद चखा हुआ हो मेडिटेशन का। तो मैं चाहूंगी कि आप सब भी, वैसे आप कर रहे होंगे, तो आपको खुद के जो आपके स्वाद हैं वो आप अपने पार्टिसिपेंट को भी चखवाइए कि भाई एक्चुअल में मेडिटेशन काम करता है। तो उनको योग और प्राणायाम से ना थोड़ा अब मेडिटेशन की तरफ धक्का दीजिए, ध्यान की तरफ धक्का दीजिए, कि धारणा करवाइए उनसे, त्राटक त्राटक करवाइए धारणा के बाद, उसके बाद फिर ध्यान के ऊपर उनको पुश कीजिए। तो हमारे साथ अभी यस सो अभी किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कि मेडिटेशन में कि क्या, और कुछ प्रैक्टिकल आपको लगा हो कि आपके पार्टिसिपेंट कभी ऐसे थे तो जिनके साथ ये दिक्कत हुई थी, कुछ भी, बिकॉज कई बार हम जो बता यस विदु जी मुझे पूछना है, जैसे प्रेगनेंसी टाइम में हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे हम लोग कराएं? बेस्ट तरीका है हार्ट कंट्रोल मत, हार्ट का रेट क्यों बढ़ जाता है, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया है बॉडी के अंदर। तो हमें इतना पता है कि मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है योर ब्रीथ, चले वातम चलम चित्तम, जैसे वात चलती है वैसे चित्त चलता है। चित्त में जैसे जैसे टेंशन हुई, टेंशन से हार्मोन रिलीज हुआ और हार्ट हो गया थक 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 थक। तो हम क्या करेंगे, हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, हम पहले सांसों को कंट्रोल में करेंगे। इतना तो आप सभी को पता है, जब भी स्ट्रेस होता है, गुस्सा होता है, तो आपकी सांस इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। तो हम रिवर्स उल्टा चलेंगे सॉल्व करते हुए अपनी क्वेश्चंस को, क्वेरीज को। तो सबसे पहले हमने ब्रीथ को कंट्रोल में किया, ब्रीथ को अवेयरनेस के साथ करेंगे और लंबी लंबी सांसें करेंगे। लंबी सांसें मतलब कि टाइम्ड करेंगे कि अपना घड़ी आपके पास है तो वो टिक टिक कर रही है, तो 7 सेकंड के लिए इनहेल, फिर 7 सेकंड का एक्सहेल, इनहेल 7 सेकंड का, और मुझे ये कम से कम 10 से 20 बार करना है। क्योंकि हम ना जब एंजाइटी में होते हैं ना, तब हमें रिजल्ट भी फास्ट होते हैं, फिर हम क्या करते हैं 3 बार करेंगे, इसमें तो रिजल्ट नहीं दिख रहा, छोड़ो यार कुछ और मिल जाए, फिर उसको भी छोड़ो यार कुछ और मिल जाए। एक्चुअली बॉडी बहुत पैनिक कर रही होती है, तो उस पैनिक का एक ही इलाज है रिवर्स इंजीनियरिंग में, नाड़ी शोधन टाइम्ड कम से कम 10 बार, और कर सकते हैं तो 10 से 20 बार करें। 10 से 20 बार अपने आप को थाम के होल्ड करके प्रैक्टिस करें, तो ये जो हार्ट बीट का वो है इशू है, या फिर पैल्पिटेशंस है, या फिर एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियली जब मेरे साथ ये इशू हुआ था, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे किसी ने बताया कि नाड़ी योग में आने से पहले किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे सांस ब्रीद करते हैं तो ठीक हो जाता है, डर भी नहीं लगता है, और नर्वसनेस हो रही है तो वो भी चली जाती है। तो आई ट्राइड मेनी मेनी थिंग्स, तो मैंने क्या चलो करती हूँ, पर तब भी नीचे नहीं आ रहा वो, और किया, आंखें भी खुली हुई हैं, टाइम घटता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है। तो सिंपल इसका एक ही तरीका है, आंख बंद और सिर्फ टाइम से नोट करके अपना अनुलोम विलोम करना कम से कम 10 से 20 बार, तभी आपको रिजल्ट दिखाई देंगे उसके, ठीक है। इसके अलावा और किसी को कुछ पूछना है?
विदु जी, एक और चीज होती है प्रेगनेंसी में डाइट को लेके, एक्चुअली कुछ भी जिसने किसी ने बताया कि ये खा लो वो खा लो, वो चीजें मतलब लेडीज खा लेती हैं कि हाँ भाई हमारे लिए अच्छा है, फिर उनको प्रॉब्लम होती है कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बन जाती है और उनके यहाँ पेन होता है, उसको रिलीफ कराने के लिए कुछ, क्योंकि मैंने को ये केसेस देखे हैं। हाँ, तो एसिडिटी के रिलीज करने के लिए आपके लिए एसिडिटी इंस्टेंट जो है दैट इज वाटर, इंस्टेंट जो वर्क करेगा तो दैट वुड बी वाटर। कि जैसे कि कल उन्होंने बताया था कि कम से कम 2 से 3 या कितना 5 लीटर, तो उन्होंने कहा ही था कि कुछ भी हो जाए इतना पानी तो पीना ही पीना है। इसके अलावा सेकंड सजेशन उनका क्या था, 3 मील सिस्टम नहीं है, 6 मील सिस्टम फॉलो करना है। 6 मील सिस्टम मीन्स कि आपको थोड़ा थोड़ा खाना है, ठीक है, एकदम से ज्यादा नहीं खाना है। तो देखिए, अगर वो दर्द हो रहा है, योग में इसका इंस्टेंट इलाज तो नहीं मिलेगा, बट यस, अगर वो प्रैक्टिस कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, ध्यान लगा रही है और ये 2-3 सिंपल सिंपल सी चीजें फॉलो कर रही है। एक्चुअली क्या है, जब आप 10 लोगों से पूछते हो, 10 लोग 10 उसकी चीजें बताते कि ये भी कर सकते हैं, नो डाउट, बट इतना करने से क्या होता है, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, बॉडी को पता नहीं चलता कि अब मैं रिएक्ट कैसे करूं, तो वो परेशानी वहीं की वहीं रहती है। तो फिर उनको सिंपल तरीका बताइए कि प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपना वो जो इतना फिक्स वाटर है, वाटर नहीं कहूंगी, लिक्विड कहूंगी, जिसमें जूस भी आ सकता है, जिसमें सूप भी आ सकता है, जिसमें आप अपना फाइबर इनटेक भी ले सकते हैं कि फाइबर इनटेक भी अच्छा रखें और साथ ही साथ 6 मील सिस्टम को फॉलो करें कि छोटे मील हो बट 6 टाइम्स हो, तो उनकी वो जो एसिडिटी की दिक्कत है, दर्द की दिक्कत है, वो कंट्रोल हो जाएगी। और किसी का थैंक कोई यू राय विदु होगा? जी। ओके रश्मि जी। दिव्या, जयश्री, खुशबू, कृतिका, रोहिणी, संगीता, सिंधु, स्नेहा, विशाल, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, बिकॉज वी स्टिल हैव टाइम, 10 मिनट्स आर स्टिल लेफ्ट विद अस। कुछ और लाइक थोड़ा लाइट डांस वगैरह ये सब कर सकते हैं क्या प्रेगनेंसी में? डांस नहीं बोलूंगी मैं, झूमना बोल सकती हूँ, जैसे हम झूमते हैं ना, या फिर कभी भगवान के भक्ति कुछ सॉन्ग चलते हैं या फिर बहुत लाउड म्यूजिक चलता है तो आप जस्ट स्विंग करते हैं, खड़े भी हैं तो स्टेप्स नहीं होते हैं उनके, उनका डांस नहीं होता है, वो बस आप जस्ट, जैसे अभी हमने ट्विस्टिंग की थी, ट्विस्टिंग हमने ऐसे शुरू की थी और उसके बाद हाथ ऐसे ऐसे भी करने लग गए थे इजी वाले, तो उस तरीके से आप, यस यू कैन सजेस्ट देम कि आप अपना, आपको जो भी म्यूजिक पसंद है, आपके खड़े होके आप इधर टहल रहे हैं, इधर झुक रहे हैं, कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ स्लाइटली सा मूवमेंट है जो आप इंजॉय कर रहे हैं, रेलिश कर रहे हैं, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो प्रॉपर डांस मूवमेंट्स नहीं करना चाहिए क्या? देखो एक्चुअली क्या होता है कि आई हैव अ वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी ऑफ सुचिता पाल। सुचिता पाल कौन है? शी इज जुम्बा एम्बेसडर ऑफ इंडिया। सो दैट लेडी वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट शी डिड एटलीस्ट 6 मंथ में उन्होंने इंडिया का पूरा टूर किया था। शी डिड अ कंप्लीट टूर ऑफ इंडिया इन हर 6 मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड हर जगह शी डिड डांस ऑन द स्टेज। वो स्टेज के ऊपर उन्होंने डांस किया था एक्चुअली। सो इट टोटली डिपेंड्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ। एंड मैंने बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज देखी हैं जुम्बा करती हुई, बट दैट नॉट, अब वो लोग वो हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, जिनकी मसल्स बहुत अच्छी है, ऑलरेडी देवर इन टू सम काइंड ऑफ फिटनेस और समथिंग, तो वो लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। हेलो मैम, मैम एक्चुअली मतलब स्वेलिंग भी आ जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो यस उसके लिए पैरों में ना, पैरों में यस मैम बहुत ज्यादा रहती है बहुतों को। हाँ यस, अगर आपने कल का सेशन अटेंड, कल या परसों का सेशन अटेंड किया होगा, तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि पैरों के नीचे पिलो रख सकते हैं और बहुत देर तक नीचे पैर लटका के ना बैठे, पैर ऊपर किसी स्टूल पे रख ले या फिर पैरों सीधा रहे या फिर पलौथी मार के अगर उन्हें कंफर्टेबल लगता है, या फिर भद्र में, कई बार हम कैसे बैठे थे तो छोटा बच्चा नहीं बैठता है भद्र में, वी का टोटल आपके पास नहीं लग रहा है, पेरिनियम पे नहीं लग रहा है, थोड़ा आगे है,
सो लाइक दैट यू कैन सेट, यू कैन, एंड सोते हुए तो प्लीज अपना वो पिलो रख सकते हैं पैरों के नीचे, वो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोनों पैरों के बीच में भी पिलो रख सकते हैं, तो जिससे कि मैं स्वेलिंग। उस टाइम में कोई ऐसा कुछ नहीं कि मतलब स्वेलिंग को दूर करने के लिए? ऐसी वाटर रिटेंशन होती है, एंड वो स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना वो आपका ऊपर तक नहीं जा पा रहा है, तो उनको आप योग अभ्यास में उनको आप वो दे सकते हैं, हलासन, अर्ध हलासन। अर्ध हलासन कैसे होता है, वॉल सपोर्ट के साथ करवा सकते हैं, कि पैर को वॉल के सपोर्ट के साथ में, बट्स को बिल्कुल दीवार के पास चिपका लिया और आपके पैर सीधे हैं, तो ये वाली, ये इंस्टेंट हेल्प नहीं है, ये रेगुलर हेल्प है, कि आपने डे वन से आप उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से कर लेती हैं, तो उनको इश्यू आएगा ही नहीं। जैसे मेरे को ये इश्यू नहीं आया था, एंड मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको ये इश्यू नहीं आया था कि पैरों में स्वेलिंग नहीं आई थी, बिकॉज वॉक हम लोग इतना अच्छा करते हैं, बिकॉज जितना अच्छा मसल्स आपकी रहेंगी, टोनिंग रहेगी, तो ब्लड सर्कुलेशन विल बी वेरी इजी। बट अगर सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, बैठे रहते हैं हम बहुत ज्यादा, या फिर फिजिकल मूवमेंट नहीं है, तो नो डाउट स्वेलिंग रहेगी, तो फिर उस केस में हमें पिलो का यूज, चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बट अदरवाइज अगर योग कर रहे हैं तो योग से वो बहुत चीजें कंट्रोल रहेंगी। मैम हॉट वाटर से ठीक हो सकता है? हॉट वाटर से, हॉट वाटर ना एक बहुत ही रिलैक्सिंग मीडियम है हर चीज के, हाइड्रोथेरेपी होती है ना, नेचुरोपैथी जैसे हमारा है, आप लोगों को पता होगा, नेचुरोपैथी में एक हाइड्रोथेरेपी भी होता है, हाइड्रो मतलब वाटर को यूज करना, तो वाटर को आप यूज करेंगे, उसमें से हल्का सॉल्ट अगर डाल देते हैं तो पैर से वो ऑलरेडी टेंशन निकाल देता है, तो मसल्स को और ज्यादा आपको कैसे बताएं, वो थोड़ा रिलैक्स कर देता है, तो मसल्स रिलैक्स होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन ईजी हो जाएगा, नो डाउट इट विल हेल्प, बट एज सच ऐसा नहीं होगा कि 2 दिन आपने किया तो तीसरे दिन आपको स्वेलिंग ना हो, या तो आप रोज कर सकते हैं तो रोज कीजिए, इट विल रिमूव द स्ट्रेस फ्रॉम योर लोअर लेग्स। ओके मैम, मैम फुटवर्क सजेस्ट कर सकते हैं किसी को? अगर एक बार मैं संदीप प्रेगनेंसी में फुटवर्क हम सजेस्ट कर सकते हैं? फुटवर्क, यस, वो जो अभी बताया इन्होंने वो फुटपाथ ही है एक तरीके से, नहीं कि प्रॉपर आप वाला, समझ, जैसे हम उसमें अच्छे से ब्लैंकेट वगैरह करके करते हैं, प्रॉपर वाला या फिर ऐसे ही नॉर्मली? सी अगर कन्वीनियंट है, सी लग्जरी में तो आप किसी लेवल तक जा सकते हो, जो कुछ भी सूदनिंग है वो ऑटोमेटिकली ब्रेन को भी सूदनिंग लगेगा, यू कैन गो फॉर लेग मसाज, यू कैन गो फॉर हैंड मसाज, तो सब कुछ सूदनिंग लगेगा, करवा सकते हैं तो वंस इन अ वीक करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, अगर घर में है, बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं करवा सकते, खुद से करना है तो आप पैरों को गर्म पानी से धो भी सकते हैं। ओके ओके, और जैसे कि हाँ यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा एक वो याद आया कि ताड़ आसन जो होता है, ताड़ आसन आपकी काफ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, तो काफ मसल्स को बेसिकली सेकेंड हार्ट कहा गया है, इतना इम्पोर्टेंट बोला गया है काफ मसल्स को, तो काफ मसल्स आपकी अगर स्ट्रॉन्ग रहती हैं, स्ट्रेंथन अच्छी रहती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ईजी रहेगा फ्रॉम टो टू हार्ट, अगर मसल्स में थोड़ा भी स्टिफनेस है, कुछ भी दिक्कत है, तो वो ब्लड ऊपर प्रॉपरली नहीं आ पाएगा और नीचे स्वेलिंग होती रहेगी पैरों। यस संगीता, आप कुछ कह रहे थे, आपकी बात मैम, मतलब मैम ये कह रही, जैसे किसी को वॉमिटिंग होने लगती है फर्स्ट मंथ से ही, मतलब इसके लिए कुछ कर सकते हैं? वॉमिटिंग के लिए बताया था उन्होंने कल डॉक्टर ने कि मेडिसिन को बिल्कुल अवॉइड ना करें, ठीक है, मेडिसिन आजकल बहुत फेवर में भी आती हैं, बट अगर मेडिसिन स्टिल नहीं लेना चाहते हैं, स्टिल नॉजिया फीलिंग होती है, तो साथ में कुछ ग्लूकोज, छोटा मोटा बिस्किट बिस्किट रख सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में उठते ही वो छोटा सा, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा हो गया है रात के डिनर के बाद और मॉर्निंग में सो के उठ के आ रहे, तो बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, तो जस्ट अपने बेड के पास जैसे ही आप उठे, उठते ही आपने आपका आपका जो टेस्ट को सूट करता है, आपको जो फेवरेट है जो भी, वो भी आपने छोटा सा बिस्किट था या कुछ भी था वो खा लिया, ये कल उन्होंने सजेशन दिया था वॉमिटिंग के लिए, तो इसके अलावा उन्होंने कहा था दाद। हाँ जी, बट मैम मतलब किसी किसी का ये होता है ना कि मतलब कुछ भी लेना बट उसको वॉमिटिंग हो ही जाती है। हाँ, तो फिर इस पे उन्होंने ये कहा था कि इट इज अ नॉर्म, उसके डर से खाना छोड़ना नहीं है, होने दो उल्टी हो रही है बट कुछ तो जाएगा बॉडी में, बट जस्ट बिकॉज प्यूक कर रहे हैं उसके डर की वजह से खाना ही नहीं खा रहे हैं, तो वो गलत होगा बॉडी के लिए, फिर पता है वो जैसा बॉडी के ऊपर पैरासाइट के लिए उन्होंने बताया था, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट जैसे आपके बहुत ही कॉमन और बहुत फनी एग्जाम्पल भी है, जैसे सर की जुएं होती हैं,
पैरासाइट होती हैं, आपकी बॉडी में रह के आपका खून चूसती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से, बट ये हालांकि बहुत ही गलत एग्जाम्पल कंपैरिजन है, बट स्टिल द बेबी इज टेकिंग न्यूट्रिशन। आप नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा, तो इट्स अ नॉर्म। उल्टी आ रही है, आने दो, बट अपना खाना मेंटेन करके रखो। मैम जैसे कि इसमें ना मतलब किसी किसी को ना जंक फूड बहुत ज्यादा खाने का मन करता है, वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, बट इसमें मैम प्रॉब्लम भी तो हो सकता है आगे चल के फिर। यस, डाइजेस्ट हो जाना, और डाइजेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ये चीज इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता कि वो जंक फूड अच्छा है बॉडी के लिए। वो तो बॉडी एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है उसको ना क्या मतलब नॉर्मल जो भी मतलब खाती थी उससे वॉमिटिंग हो जाता था, और जंक फूड खाती उससे वॉमिटिंग नहीं होता था, वो नॉर्मली मतलब कहती वो खाती मैं ठीक रहती हूँ। मतलब ये केस मतलब मुझे समझ में नहीं आया। नहीं ठीक सी, तो सिंपल सी बात है, आप उनको यू हैव टू मेक हर अंडरस्टैंड और मेक सच पीपल अंडरस्टैंड कि अगर आप गलत खाना डाइजेस्ट कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज गुड फॉर योर बॉडी। ये तो ठीक है, बॉडी ने एडजस्ट कर लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है, बट अंदर आपने क्या दिया है, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप ये देखो, अच्छा ठीक है, बॉडी ने भले ही डाइजेस्ट भी कर लिया है तो मन में उतने विकार रहते हैं, मन में वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करता है, और ये एक साइकिल होता है। आप सात्विक खाएंगे, बॉडी सात्विक मांगेगी, आप राजसिक खाएंगे, बॉडी राजसिक मांगेगी। अगर मान लो लॉकडाउन चल रहा था, आपने सभी ने अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं किया है तो करना चाहिए था, डोंट मिस सच टाइप ऑफ फेजेस, कि दो एक महीने आपने बाहर का खाना नहीं खाया तो आपके अंदर वो क्रेविंग भी नहीं आ रही है बाहर का खाना खाने की। एंड इट हैज हैपेंड विद मी, इट हैज हैपेंड विद सेवरल ऑफ माय नोन एंड माय पार्टिसिपेंट्स, कि एक महीना उन्होंने घर का खाना खाया तो बॉडी अब मांग ही नहीं रही है बाहर का खाना। वो तो जब हम बाहर घूमने निकले, बाहर निकले, तो फिर हम वापस देख देख के वो इंड्यूस्ड हंगर हुआ कि खा लो खा लो खा लो। अदरवाइज द बॉडी सच, आप उसको सात्विक दे रहे थे, वो सात्विक मांग रही थी, और एक दिन आपने उसको राजसिक दे दिया, एक दिन आपने उसको तामसिक दे दिया, नाउ द साइकिल हैज स्टार्टेड। अब बॉडी टाइम टू टाइम तामसिक ही मांगेगी, राजसिक मांगेगी। तो आप अपने, यू जस्ट सी इट विद योर बॉडी, सी इट विद योर सेल्फ, कि क्या होता है कि इस तरीके से होता है कि बॉडी को आप जो देते हैं बॉडी वही मांगती है। अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि वंस यू विल डू द एक्सपेरिमेंट विद योर सेल्फ, यू विल सी कि, एंड देन यू विल एबल टू पास इट ऑन टू योर पार्टिसिपेंट्स कि ऐसा होता है, इट हैपेंस, और आपका ब्रेन भी वैसे करता है। उस एक महीना दिमाग बहुत शांत था, एकदम से बाहर निकले, बाहर से स्विगी के एड देखे आपने कि आप इसलिए ऑर्डर कीजिए क्योंकि 1 करोड़ लोगों ने ऑर्डर कर लिया है। तो 1 करोड़ लोग अगर बेवकूफ है, पागल है, तो आप भी प्लीज पागल बनिए, आप भी ऑर्डर कीजिए। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज पीपल आर मैनिपुलेटिंग योर माइंड। जस्ट डोंट लेट एनीबडी मैनिपुलेट योर माइंड लाइक दैट, और कि हम भी चलो बाहर से ऑर्डर करते हैं। सो उस चीज को उनको बोलना कि इट्स ओके द बॉडी इज एबल टू डाइजेस्ट, बट वो किसी और तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी लेटर ऑन। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और सिंधु, विशाल, कृतिका, खुशबू, जयश्री, एनी क्वेश्चन? आई वांट टू से अबाउट स्वेलिंग इन लेग्स, लाइक बोलते अगर सॉल्ट का इनटेक आप कम कर दो तो उससे स्वेलिंग चली जाती है, बिकॉज वो वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। तो जैसे ही आप सॉल्ट का इनटेक कम करेंगे तो वो स्वेलिंग ठीक हो जाती है। यस यस यस, वेरी वेरी ट्रू। अगर आप, इफ यू ऑल आर योर साइंस स्टूडेंट या फिर कोई साइंसेस है, तो आपने अगर वो सुना होगा ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसा हमारा आर ओ जिस फंडे पे वर्क करता है, तो बेसिकली वही है कि आपके ब्लड में अगर सॉल्ट ज्यादा है तो वो अंदर पानी को रिटेन कर लेता है, पानी को अंदर रिटेन करेगा तो मतलब स्वेलिंग आएगी, हाथों में भी आ सकती है, पैरों में भी आ सकती है। अगर आप सॉल्ट का इनटेक कम कर देंगे तो अंदर सॉल्ट कम सॉल्ट है तो वो अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है बाहर से, तो वो बाहर से फ्लूइड भी कम लेगा, तो वो ऑटोमेटिकली फिर स्वेलिंग नहीं रहेगी, वो नॉर्मल अपने स्टैंडर्ड वे में चलेगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी एप्ट सजेशन बाय स्नेहा कि आप सॉल्ट का भी इनटेक कम कर सकते हैं।
तो चलिए आज का सेशन वाइंड अप करते हैं यहीं पे, ठीक है? एंड अभी तक का किसी का आई हैव सीन नाउ पीपल इंटरैक्टिंग आल्सो. अब मुझे आज अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे, कुछ डाउट पूछे, बिकॉज अल्टीमेटली इफ वी आर कंडक्टिंग अ सेशन इट इज फॉर यू ऑल ओनली. आई रियली वॉन्ट कि आप जब मार्केट में जाए तो यहाँ से कुछ लेकर ही जाए एंड एक और लोगों से प्लस वन रहे. तो अभी भी आपके कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं किसी भी तरीके से, अपनी प्रेगनेंसी से कोई डाउट है या किसी और की देखा उससे कोई डाउट आया, तो जस्ट क्लियर योर ऑल द डाउट्स सो दैट व्हेन यू आर विद द नेक्स्ट प्रेग्नेंट लेडी देन यू कैन मेक दैट लेडी गिव अ बर्थ टू अ ब्रिलियंट चाइल्ड. ओके, एंड दिस इज हाउ वी कैन. इतना था थैलेसीमिया टेस्ट के बारे में. हाँ जी बोलो. हाँ वही जो कल मैम बता रही थी ना थैलेसीमिया टेस्ट के, मैं तो पहले बार सुनी हूँ वो वर्ड, तो मुझे इतना समझ नहीं आया था. अच्छा एक्चुअली क्या हो रहा है आजकल ये ना एक्चुअली थैलेसीमिया कहाँ से शुरू हुआ है, पहले नहीं था ये इतना, ठीक है? तो पहले इसके टेस्ट भी कंपलसरी नहीं होते थे. तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बच्चों के अंदर हम डिफॉर्मिटीज देखते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो टेस्ट हमारे कंपलसरी हो जाते हैं. तो थैलेसीमिया इज वन ऑफ देम. थैलेसीमिया इज रिलेटेड टू योर, इट्स अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड, कि बच्चे के अंदर खून नहीं बनता है. तो मतलब आफ्टर अ सर्टेन एज कुछ ना कुछ या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ेगा, तो लाइफ एट स्टेक होती है. तो हम सोचते हैं कि अच्छा रहेगा कि अगर इस टाइप की कोई बीमारी है तो बचपन में ही पता चल जाए, बिफोर बर्थ पता चल जाए किसी टेस्ट से, तो ज्यादा बेटर है. तो ये हम एक तरीका है. तो हम बच्चे से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम बच्चे के पेरेंट्स से आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर इन फैमिली में कोई हिस्ट्री है. जैसे क्या होता है, आदमी का एक्स वाई क्रोमोजोम होता है और औरत का एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है. तो इसके चार कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि इफ दिस इज एक्स वाई, इफ दिस इज एक्स एक्स, तो इसका इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन, फिर इसका इन दोनों के साथ, तो चार कॉम्बिनेशन बनते हैं. तो जैसा कि उन्होंने कल बताया था कि दे विल टेस्ट, अगर मदर को थैलेसीमिया नहीं है तो इट्स अ वेरी रेयर चांस कि बच्चे के अंदर थैलेसीमिया मेजर हो. वेरी, तो क्योंकि मेजर होगा तभी बच्चे को थैलेसीमिया है. थैलेसीमिया माइनर वाले बंदे को भी थैलेसीमिया नहीं होता है, थैलेसीमिया मेजर होना चाहिए. अगर माँ का टेस्ट किया, माँ के टेस्ट में थैलेसीमिया माइनर आया है, माइनर आया है मतलब कि उसके एक्सेस में एक में माइनर है, अगर मान लो इसमें भी माइनर हुआ तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि थैलेसीमिया मेजर बन जाए. तो हम वहीं पे फिर हम और बच्चे के, फिर उन्होंने कहा था उसके फ्लूइड का, बच्चे की भी सेल्स नहीं लेते हैं, बच्चे की प्लेसेंटल सेल्स लेते हैं या फिर फ्लूइड का कुछ हम लेते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे के डीएनए में थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है. तो ये एक थैलेसीमिया एक बहुत ही मेजर बीमारी है जो आजकल बहुत पाई जा रही है, पहले नहीं थी. जैसे कि तुमने कहा तुमने नहीं सुना है, क्यों? क्योंकि अभी तक इतना प्रेवलेंट नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है. अब फिर कल उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि नॉर्थ इंडिया में तो कंपल्सरी हो गया है कि हर प्रेग्नेंट लेडी को थैलेसीमिया का टेस्ट करवाना ही है. तो अब ये मैम इट्स नॉट कंपलसरी, मतलब अगर आप अवेयर नहीं है तो आपका टेस्ट थैलेसीमिया का टेस्ट नहीं होता. मतलब मैं अवेयर थी इसके लिए मैंने अपना टेस्ट करवाया, मैंने भी यही दिल्ली में ही डिलीवरी करी है. ये इट्स नॉट कंपलसरी, आई थिंक ये सबको करवाना, मतलब इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसको स्प्रेड करना चाहिए और सारी जो भी कंसीव कर रही है मदर्स उनको सबको करवाना चाहिए, बिकॉज है ना इट्स नॉट कंपलसरी. बहुत कॉम्प्लिकेशंस मैम, यू नो एवरी मंथ बेबी को ब्लड चढ़ाया जाता है एंड दैट्स वेरी पेनफुल, आप अपने बच्चे को नहीं देख सकते हैं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. कोई और कुछ कह रहा था इस टाइम पे? जयश्री आप कुछ कह रहे थे क्या? मैं पूछ रही थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा ब्लड नहीं बढ़ रहा था, जब शुरू में फर्स्ट मंथ में जब टेस्ट हुआ था तब 10 ग्राम था खून, और धीरे धीरे जैसे जब आयरन के टेबलेट्स भी मिलने लगे तब लास्ट में जब हर मंथली टेस्ट होता है ना तो धीरे धीरे कम होकर लास्ट में ऐसा हो गया कि 5 ग्राम भी हो गया था ब्लड. तब उसके बाद तो हाँ दवाई वगैरह ये वो चढ़ाए थे तब, लेकिन ये नहीं पता चला कि ब्लड क्यों नहीं बढ़ रहा है. तो शायद यही प्रॉब्लम कुछ था होगा, वो तो कल पता चल रहा है कि शायद ऐसे ही कुछ होगा इसलिए चढ़ नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे तो कोई बताया भी नहीं. यहाँ पे क्या एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था तब ज्यादा, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. तो अब ऐसा हो गया कि हाँ शायद लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ था होगा प्रॉब्लम,
तो लास्ट में क्या ब्लड अरेंज करके रखे थे ताकि लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो वो चढ़ाएंगे, तो 5 ग्राम तक हो गया था पर ब्लड नहीं भर रहा था, कितने भी खाओ कुछ भी हो। अच्छा यहाँ पे एक चीज और, जब भी हम ब्लड की बात करते हैं, बिकॉज यू ऑल आर योग इंस्ट्रक्टर्स एंड योग, तो आपको ना वैल्यूज पता होनी चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो। व्हेन वी टॉक अबाउट थैलेसीमिया, वी टॉकिंग अबाउट आरबीएस काउंट, आरबीसी काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट, उनकी बात करते हैं। एंड जो जयश्री आप बात कर रहे हैं ना, 5 ग्राम 10 ग्राम, ये है हीमोग्लोबिन की बात। तो ये है हीमोग्लोबिन। सो हमें पता होना चाहिए अब, बिकॉज वी आर इंस्ट्रक्टर, वी आर इन टू दिस फील्ड, कि हम किसकी बात कर रहे हैं और कितनी बात कर रहे हैं। तो व्हेन वी से कि 5 रह गया था ग्राम खून, तो इट्स नॉट लाइक बॉडी में 5 ग्राम रह गया था, इट्स लाइक हीमोग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन। हाँ, जब तो मैंने रिपोर्ट देखा था, जब कुछ कुछ रिपोर्ट तो उसमें देख रही थी कि WBC जो काउंट था ना वो कम दिखा रहा था, जो रेंज था एक्चुअली, तो शायद हाँ हाँ WBC का कम था। ओके ओके ठीक है, तो चलिए 5:10 हो चुके हैं, आज की क्लास का समापन करते हैं, मंडे को मिलेंगे हम लोग। मुझे तब तक आप लोगों का कोई इंटरेस्ट है, अगर आपको गर्म संवाद का एक सेशन चाहिए या फिर किसी चीज का पर्टिकुलरली एक सेशन चाहिए, रेखा जी ने जो डिस्कस किया, मनीषा जी ने जो डिस्कस किया, तो आई वुड लाइक टू अरेंज दैट, और या फिर आपका कोई और कुछ टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो वो मैं कवर करना चाहूंगी, क्योंकि अदरवाइज तो वो योग थेरेपी का पार्ट होना चाहिए था, बट योग थेरेपी हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड, तो वो दिन मेरे पास एक स्पेयर है दैट आई कैन गिव टू समथिंग एल्स, सो आई वुड लाइक टू मेक सम गुड कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर। तो आप मुझे एक बार सजेशन दीजिए, अदरवाइज फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। मैम एक मेडिटेशन का, इफ पॉसिबल, मेडिटेशन का, या अच्छा तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस या फिर जैसे आज की, आज मतलब लाइक प्रॉपर एक मेडिटेशन का सेशन हो जाता, दैट्स मीन। अच्छा, आप सभी लोगों को महामृत्युंजय मंत्र आता है, किसी को नहीं आता है तो एक बार वो बता दे, किसको नहीं आता है महामृत्युंजय मंत्र? सभी को आता है, तो चलो ठीक है, हम MSRT करेंगे। मैं हालांकि प्लान आज कर रही थी करने का, बट फिर मुझे पता नहीं था कि कितने पार्टिसिपेंट्स को आता है महामृत्युंजय मंत्र, तो मंडे को हम लोग वो, अगर इसके अलावा कोई और सजेशन नहीं आता है तो हम एक मेडिटेशन की क्लास रखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिव्या, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू जयश्री, थैंक यू खुशबू, थैंक यू कृतिका, थैंक्स रोहिणी, थैंक्स संगीता, थैंक्स सिंधु, थैंक्स नेहा, थैंक्स विशाल, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, बाय।